असलामुअलैकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मजेदार चिकन की रेसिपी। इसका नाम है चिकन चंगेजी, जो कि चंगेजी दौर की रेसिपी है। तो जबकि ये रेसिपी बहुत ही मजे की रेडी होती है, आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मजेदार, बहुत ही क्रीमी सा टेस्ट आता है विदाउट क्रीम डाले। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सबसे पहले हमने लिया है 1 kg के करीब चिकन। चिकन को हमने अच्छे से वॉश कर लेना है। देन हमने लिया 2 tablespoons के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर और गार्लिक को मैंने पीस के फाइन पेस्ट बना लिया था। आप चाहें तो डब्बे वाला भी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं जिंजर और गार्लिक का पेस्ट की जगह। यहाँ पे मैंने लिया है 2 tablespoons के करीब करीब योगर्ट। अब हम इसमें मजीद स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में जो आपको स्पाइसेस अच्छे लगते हैं आप वो सारे ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टर्मरिक पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर यानी कि, और मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर लिया है। सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ब्लैक पेपर पाउडर लिया है और मैंने साथ में लिया है गर्म मसाला। और 1 pinch के करीब करीब मैंने यहाँ पे लिया है फूड कलर। अगर आप रेड पेपर यूज़ नहीं करते, आप ब्लैक पेपर भी यूज़ करते हैं, तो ऑनली आप ब्लैक पेपर ही ऐड करिएगा। उसके लिए आपको रेड बिल्कुल डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप फूड कलर से भी अवॉइड करना चाहें तो आप वो भी अवॉइड कर सकते हैं। देन भी इस चिकन का टेस्ट वही रहेगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी सा चिकन रेडी होता है विदाउट क्रीम ऐड किए, तो ये सबसे अच्छी बात है। और लो कोलेस्ट्रॉल होता है, मज़े की बात ये है। तो हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ों को ऐड करके इनको मिक्स कर लेना है। जस्ट हमने इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ना नहीं, हमने जस्ट मिक्स करके साइड पे रख देना है। देन अपनी प्रिपरेशन रेडी करेंगे। यहाँ पे हमने 1/2 cup के करीब ऑयल लिया है। ऑयल को हीट अप होने देना है। और तकरीबन 3 onions लिए हैं जिनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया था। आपने ऑनियंस को बारीक स्लाइस में कट करना है क्योंकि हमने इनको ब्राउन करना है जस्ट। तो यहाँ पे मैंने ले लिया स्लाइस 3 onions, छोटी छोटी साइज़ की। अगर आपके बड़े साइज़ के ऑनियंस हो तो आप दो भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है ऑलमोस्ट 4 to 5 minutes के लिए। जब ऑनियन का कलर डार्क ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको निकालेंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, वरना इसके अंदर से जला जला सा जायका आएगा। जस्ट इस तरीके से डार्क ब्राउन करना है और इसको निकाल लेना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। देन हम इसी ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे चिकन जो कि हमने मैरिनेट करके साइड पर रखा था, और इसको हम फ्राई करेंगे 5 to 6 minutes के लिए। आपकी हीट थोड़ी सी हाई होनी चाहिए जब आप चिकन फ्राई करें, अदरवाइज चिकन के अंदर जो है वो ब्लड रह जाता है। इस वजह से आपने अच्छे से इसको हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेना है 4 to 5 minutes के लिए। तो यहाँ 4 to 5 minutes हो गए चिकन को फ्राई होते हुए। अब इसमें हम वहाँ पे 4 to 5 ग्रीन चिली लेंगे और 1 tomato लेंगे और इनका पेस्ट बना लेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे। अब हम टमाटर के इस वाटरी टमाटर के अंदर ही हम इसको कुक करेंगे ऑलमोस्ट 4 to 5 minutes के लिए। अब आप इसकी हीट जो है वो थोड़ी लो रखेंगे। जैसे हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे तो वो अपना पानी छोड़ देंगे। देन हम इसके अंदर मज़ीद एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करेंगे। अगर आपको यहाँ पानी डालने की ज़रूरत महसूस हो तो आप पानी नहीं ऐड करेंगे, बल्कि आप दूध ऐड करेंगे। आप 2 to 3 sips जो है वो दूध के ऐड
ले लिए हैं और इन दोनों को हम ब्लेंडर जार में डाल लेंगे या फिर किसी भी मिक्सी में ऐड कर देंगे। देन हम इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा दूध या फिर पानी ऐड करेंगे। मैंने पानी ऐड किया, आप चाहे तो दूध भी ऐड कर सकते हैं। और हम इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। काजू का पेस्ट यहाँ पे रेडी हो गया बहुत अच्छे से, और जो हमारा चिकन था वो भी ऑलमोस्ट जो है वो ड्राई हो गया। हमने इसका पानी अच्छे से ड्राई कर लेना है, इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं होना चाहिए, जो कि टमाटर डालने से हमारा थोड़ा पानी हो गया था इसमें, और चिकन तकरीबन 70% कुक हो चुका है। देन हम इसमें जो काजू का हमने पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे। अभी उसमें मुझे थोड़ा सा पानी लगा तो मैंने इसको फिर से 5 मिनट के लिए ढक के रख दिया था ताकि ये थोड़ा सा हो जाए। अब इसमें ऑयल छोड़ दिया है चिकन में। देन अब हम इसमें काजू का पेस्ट ऐड कर देंगे। इस बात का ध्यान रहे कि काजू का पेस्ट ऐड करने से पहले कि आपके चिकन में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप जब चिकन का पानी ड्राई करेंगे तो चिकन नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा। देन हम इसमें काजू का पेस्ट ऐड कर देंगे क्योंकि चिकन ने ऑलरेडी ऑयल छोड़ दिया है। देन हम इसको कुक करेंगे 10 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो हीट पे। अब चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है। ऑलमोस्ट हम 5 मिनट्स के लिए इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे रखेंगे, जितना चावलों को दम लगाते हैं उतनी सी आंच पे हम इसको रख के कुक करेंगे। देन देखेंगे कि अब चिकन ने बिल्कुल पानी छोड़ देगा। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करेंगे दूध। ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे 1/2 कप के करीब करीब दूध दिया है, आप भी इतना ही ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी अच्छी आने लगती है तो आप 1 कप के करीब भी दूध ऐड कर सकते हैं। दूध डालने के बाद हम इसको मज़ीद 10 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। तो ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो चुकी हैं, तो यहाँ पे हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। चिकन के ऊपर ऑयल भी आ चुका है और बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी सा चिकन रेडी हुआ है। अब हम इसके ऊपर 2 से 3 इंच के करीब कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। अगर आपको कसूरी मेथी अच्छी नहीं लगती तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, आप धनिया भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया कसूरी मेथी क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है। देन हमने 2 इंच के करीब इसके ऊपर कसूरी मेथी ऐड कर दी है। कसूरी मेथी को आप मसल के ऐड करिएगा। देन ये हमारा मज़ेदार चिकन रेडी हो चुका है। उम्मीद है कि आपको हमारी चिकन चिकन की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।